बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज वेट स्टोन ब्रिज आज हमारा लेक्चर किस चीज़ के बारे में होगा वेट स्टोन ब्रिज तो वेट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे इसके तमाम पॉसिबल मतलब कंबिनेशन जिस तरह वेट स्टोन बनते हैं हम क्या करेंगे हर पॉइंट हर कम्पलेक्स पॉइंट और हर बेसिक पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा दोनों ही के लिए कंपिटेटिव एग्जाम के लिए और सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों ही के लिए ये लेक्चर क्या होगा बेनिफिशियल होगा तो वेट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो कंडिया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेलाइकन की गेंट को पुश कर दें ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वेट स्टोन ब्रिज सही है? अब वेट स्टोन ब्रिज सिंपल इसकॉम वेट स्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं याद वेट स्टोन क्या था एक साइंटिस्ट का नाम था उसने इसको डिस्कवर किया इसको पब्लिश किया वेट स्टोन इसको क्या क्या पब्लिश किया इसलिए इसको हम वेट स्टोन कहते हैं और ब्रिज क्यों कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ये वेट स्टोन ब्रिज यहाँ पर नहीं है ये वेट स्टोन ब्रिज भी दरअसल में क्या है हमारे साथ रजिस्टर ही का कम्बिनेशन है अगर आपने इससे पिछले लेक्चर देखे होंगे वो आप मैंने रजिस्टर का कंसेप्ट आपको दिया भी था रजिस्टर के कम्बिनेशन पड़े थे पैरल में जब रजिस्टर कनेक्ट हो तो तब क्या कम्बिनेशन बनता है क्या इक्वेशन बनती है जब रजिस्टर क्या हो सीरीज में कनेक्ट हो तो तब क्या इक्वेशन बनती है उसी तरह वेट स्टोन ब्रिज में भी क्या है रजिस्टर ही कनेक्ट है मगर यहाँ पर रजिस्टर क्या है कोई स्पेशल कंडीशन में क्या है कनेक्ट चार रजिस्टर है और पांचवा हमारे साथ क्या है गेलवानो तो गेलवानो को भी हम क्या कंसिडर करते हैं रजिस्टर ही कंसिडर करते हैं तो टोटल कितने बन गए रजिस्टर पांच रजिस्टर क्या हो गए टोटल पांच रजिस्टर वेट स्टोन ब्रिज में टोटल कितने रजिस्टर है पांच मगर गेलवानो को हम रजिस्टर के तौर पर कभी कंसिडर करते हैं कभी नहीं यूएसए गेलवानो भी क्या है एक रजिस्टर है इसकी भी अपना कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगी तो इसलिए हम चार रजिस्टर को रिप्रेजेंट सकते हैं ब्रिज को हमारे बुक में क्या है कि वेट ब्रिज में चार रेजिस्टर होते हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर चार रेजिस्टर वैसे ये जो गलवानो है इसको भी मैं बताऊंगा ये भी एज रेजिस्टर के तौर पर ही क्या है काम करता है मगर यहाँ पर हम गलवानो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम बेसिकली कहते हैं कि वेट ब्रिज में चार रजिस्टर होते हैं तो यहाँ पर ये दो रजिस्टर दो रजिस्टर इस साइड पे, दो रजिस्टर इस साइड पे, और में क्या है एक किसान का ब्रिज दोनों को क्या करें जो दो रजिस्टर इस साइड पे और दो रजिस्टर इस साइड पे दोनों को क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे तो इसलिए गेलवानो जो दरियान में हमने लगाया हुआ है वो एज अ ब्रिज काम कर रहा है तो इसलिए इसको हम वेट ब्रिज कहते हैं वेट क्यों कहते हैं क्योंकि इसको साइंटिस्ट चार्लस वेट ने क्या किया

ये हमारे साथ का एक है। क्या है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें क्या है रजिस्टर कंबाइन होते हैं अब याद रखना इसमें रजिस्टर कंबाइन होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा इसमें रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है या रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है या ना सीरीज में ना पैरेलल में ये आपको अभी मैं समझाऊंगा सही तो अब अब इसके थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं इस बेड स्टोन ब्रिज का बेसिकली कंसेप्ट हमारे साथ क्या है इसका काम क्या है याद रखना है इसका काम क्या है टू तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर और, और डिवाइस याद रखना वेटस्टोन वेट स्टोन का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो भी क्या है रजिस्टर ही को फाइंड करना रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को ही फाइंड करना क्या है हमारे साथ रेजिस्टेंस ही को फाइंड करना किसी भी कंडक्टर या डिवाइस की रेजिस्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं वेट स्टोन ब्रिज या सिंपल दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं जो हमारे बुक में लिखे हुए टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस

बैलेंस कंडीशन के ऊपर काम करता है बैलेंस कंडीशन पर किस तरह काम करता है नो करंट फ्लो तुरंत गैलवानो मीटर से में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इवन आपने यहां पर वोल्टेज अप्लाई भी किया है आपने एक ऐसा कंडीशन ऐसा इसका प्रिंसिपल बनाना मतलब इसका प्रिंसिपल ऐसा है कि आपने बैटरी भी कनेक्ट किया है मगर जब आप करंट अपलाई करते हैं यहाँ पर स्विच को क्या करते हो क्लोज करते हो जब करंट यहाँ पर गुजरता है मगर करंट यहां पर इस तरह गुजरता है और इस तरह आता है यहाँ पर गेलवानो मीटर में से करंट नहीं गुजरता बैलेंस कंडीशन अब क्यों किस तरह यहाँ पर करंट नहीं गुजरेगा तो यह करंट तब नहीं गुजरेगा जब यह कंडीशन सेटिस्फाई हो करंट गेलवानो मीटर में से तब नहीं गुजरेगा बैलेंस कंडीशन के तहत गेलवानो मीटर से कोई भी करंट नहीं गुजरेगा यह क्या है गेलवानो मीटर यहाँ पर जी किस को रिप्रेजेंट करे गेलवानो मीटर को तो जब करंट गो में से नहीं गुजरेगा तो हमारे साथ रेशियो क्या होगा डिवाइडेड रेशल टू आर थ्री क्या होगी इक्वल होगी इन दो साइड रेजिस्टेंस के रेशियो की अब किस तरह मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा अब आपने इसको जैन में रखना है अब मैं इसको क्या करूंगा आपको इसका डेरिवेशन प्रूफ भी बताऊंगा पहले आपने ये क्या बताना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है बैलेंस कंडीशन बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि मीटर में से कोई भी करंट फ्लो ना करे गेलवानो में से कोई भी करंट फ्लो ना करे गैलवानो में से कब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तब गेलवानो में से कोई भी करंट फ्लो न फ्लो नहीं करेगा जब इन दोनों रजिस्टर आर वन डिवाइडेड बाई आर टू का रेशियो इक्वल आ जाए आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर के सही है तो या पर मैंने लिखा भी है

क्या मैंने क्या लिखा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी एंड डी बिकम इक्वल पॉइंट बी और डी पर पॉइंट बी और इसको आप क्या नाम दो ए हो गया इसी तरह ये बी इस पॉइंट को आप क्या नाम दो डी ये क्या हो गया सी सही है पॉइंट बी एंड डी बिकम इक्वल पोटेंशियल पॉइंट बी और डी पर क्या होगा इक्वल होगा पॉइंट बी और डी पर क्या होगा इक्वल होगा पोटेंशियल पॉइंट बी और डी पर इक्वल होगा इस क्या नाम कहते हैं बैलेंस कंडीशन कहते हैं याद रखना पर मैंने बैटरी भी अप्लाई की है स्विच को क्या है? क्या क्लोज किया करंट क्या, क्या? क्या? रेजिस्टर से फ्लो कर रही है यहाँ है है। पर करंट डिवाइड होता है यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है मगर यहाँ गैलवानो से करंट नहीं गुजरता क्यों बैलेंस कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए डी और बी पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए डी और बी पर पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए जब इन दो पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा

पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जीरो तो पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जीरो है दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है सेम है और चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या आ रहा है चेंज ऑफ पोटेंशियल आपके साथ आ रहा है जीरो जबकि पोटेंशियल क्या है कॉन्स्टेंट सिंपल पोटेंशियल क्या है

नो करंट फ्लो थ्रो जी जी का किसका सिंबल है मीटर -E का सिंबल है तो गेलवानो -E से कोई भी करंट क्या करेगा फ्लो नहीं करेगा सही है जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा तो बात समझ आ गई कि गेलवानो -E से क्यों करंट फ्लो नहीं करता ए के बैटरी भी अटैच है बैटरी का काम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करना स्विच भी क्लोज है मगर फिर भी यहाँ से करंट नहीं गुजर रहा है गेलवानो से करंट नहीं गुजर रहा है इसलिए नहीं गुजर रहा है क्योंकि पॉइंट बी और डी पर पोटेंशियल क्या हो गया सेम पॉइंट बी और डी पर पोटेंशियल क्या है सेम जब पॉइंट बी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल सेम होगा तो में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब ये बैलेंस कंडीशन अच्छी हो जाए जब बैलेंस कंडीशन अच्छी हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि आर वन और आर टू का रेशियो क्या आएगा इक्वल आएगा और R4 के मतलब इन दो को जब आप डिवाइड करोगे इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा आर थ्री और आर फोर के इक्वल होगा इसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन तो यहां पर मैंने क्या किया एलिमिनेट द मिड रेजिस्टर सही है अब यह बात अभी मैं आपको समझाऊंगा सही है या फिर आपको यह नजर आ रहा है जब लेट सपोज मैंने इस स्विच को क्या किया क्लोज कर दिया करंट तो यहाँ पर फ्लो कर दिया बैलेंस कंडीशन आपको समझ आ आएगी कि वो कंडीशन आपने क्या करना है जिसमें पॉइंट बी और डी पर क्या हो बी और डी पर पोटेंशियल सेम हो जाए जब पॉइंट बी और डी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसमें से कोई भी करंट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तब आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल होगा आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा सही है ये आपको मैं एग्जांपल भी देकर आपको बताऊंगा सही है और इसको प्रूव भी करूंगा इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा अभी सही है अब मैंने बैटरी को क्लोज किया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो गया पोटेंशियल यहाँ पर आ गया सही पोटेंशियल निकल गया यहाँ पर लेट सपोज ये पॉइंट ए सही यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है वी पोटेंशियल क्या है वी पॉजिटिव से पोटेंशियल स्टार्ट हो गया क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बेसिकली मतलब हम हर चीज ये कहते हैं कि कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर बैटरी का जो पॉजिटिव वो हाई पोटेंशियल वाला है तो पर ये लो पोटेंशियल वाला तो पर पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या जीरो और इस पॉइंट पर वी पर पोटेंशियल क्या करेगा स्टार्ट करेगा यहाँ पर पोटेंशियल क्या यहाँ पर मतलब पोटेंशियल आ गया मतलब यहाँ पर करंट क्या होगा डिवाइड होगा करंट क्या होगा इस पॉइंट पर डिवाइड होगा लेट सपोज आई वन करंट इस साइड पर गया और आई टू इस साइड पे गया या? सही है अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि ये जो दो रजिस्टर है ये दो रजिस्टर क्या है ये सीरीज में कनेक्ट या में आप आप करंट क्या हो रहा है, है, बगर पर क्या है? आपको नजर आ रहा है या एक बार फिर न पेर ना मुझे समझ आ रहा तो है सीरीज अगर में तो ये दोनों क्या होते हैं इन दोनों में पोटेंशियल सेम होता मगर पोटेंशियल सेम नहीं है या पर ये दोनों क्या है ना तो सीरीज में नजर आ रहा है ना पैराल में नजर आ रहा है अब मैं आपसे पूछता हूं ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये दोनों आर टू और आर फोर ये सीरीज में या पैरेल ठीक है करंट यहाँ से आ गया अब करंट फिर से या पर भी जाएगा गलवानों में से भी जाएगा या से भी जाएगा अब मैं क्या करूंगा ये दो को पेरल में मानो या सीरीज में मानो तो बैलेंस कंडीशन का भी मैं फायदा बता रहा हूँ कि बैलेंस कंडीशन हम जो विथ स्टोन को पढ़ते हैं या पर हम दरअसल में विथ स्टोन का जो प्रिंसिपल है हम बैलेंस कंडीशन के तहत भी विथ स्टोन को पढ़ते हैं और फिर हम रजिस्टर को रजिस्टर की रजिस्टेंस को फाइंड करते हैं सही है अब यहां पर ये करंट आ गया यहां पर करंट यहां पर भी जा रहा है यहां पर भी जा रहा है अब ये दो रेजिस्टर में सीरीज में मानू पेरेल में मानू न तो सीरीज बन रहा है इसका न पेरेल बन रहा है न सीरीज बन रहा है क्योंकि अगर सीरीज बनता तो ये करंट जो यहां पर आता है यहां पर भी फ्लो करता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है सीरीज में करंट सेम होता मगर यहां पर तो करंट डिवाइड हो रहा है फिर यहां पर भी जा रहे हैं मतलब, तो है तो मतलब ये रेजिस्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या पैरल में कनेक्ट है अब विद स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन प्रिंसिपल क्या बताया मैंने कि बैलेंस कंडीशन के तहत विथ स्टोन ब्रिज कॉम पड़ते हैं तो बैलेंस कंडीशन के तहत मैंने क्या बताया कि पॉइंट डी और बी पर पोटेंशियल सेम होगा और गेलवानोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा गेलवानोमीटर न

इस बैलेंस कंडीशन के तहत गेलवानो में से या इस रेजिस्टर में से कोई भी करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो आप इसको क्या करो इसको मैंने क्या लिखा है एलिमिनेट द मिड रेजिस्टर जो दरमियान वाला रेजिस्टर है उसको एलिमिनेट करो उसको खत्म करो क्योंकि वहां से कोई करंट गुजर नहीं रहा है जब कोई करंट नहीं गुजरेगा ना जब कोई करंट नहीं गुजरेगा तो इसका फिर क्या होगा काम ही नहीं होगा ये तो क्या हो गया खत्म हो गया तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ एलिमिनेट कर रहा हूँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ एलिमिनेट कर रहा हूँ जब अब मैंने इसको एलिमिनेट किया इसको मैंने एलिमिनेट किया अब आपको पता चल गया जब दरमियान में से में से करंट नहीं गुजरेगा तो क्या होगा ये कंडीशन अप्लाई होगा R1 तो आप मुझे बताओ, ये दो और ये दो रजिस्टर किस में कनेक्ट है आप करंट यहां पर डिवाइड हो गए ठीक है करंट यहाँ पर डिवाइड होगा ये, तो, तो, ये दो तो पेराल हो गए अब मगर जब करंट यहां पर है करंट यहां पर डिवाइड हो गया जिधर भी करंट डिवाइड होगा ना तो उसका मतलब क्या है? वो दो रजिस्टर क्या है आपस में क्या है पैरेलल में कनेक्ट है क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है सीरीज में करंट सेम होता है अब यहां पर जो करंट आ रहा 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 है है आ है, या पर पर आ पर इसी तरह है जो करंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगा वही करंट इस रेजिस्टर में से भी गुजरेगा तो इन दोनों रेजिस्टर में से करंट क्या है सेम तो इसलिए मैं और R2 को क्या क्या मानूंगा ये दोनों क्या है सीरीज में कनेक्ट क्योंकि इनमें से सेम करंट गुजर रहा है आर वन और आर टू में से करंट क्या है सेम गुजर रहा है जब करंट सेम गुजरेगा तो उसको हम क्या मानते हैं कि सीरीज में करंट क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है उसी तरह जब इस पॉइंट पर करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया एक आई

इस तरह आपका आपके साथ क्या आएगा आंसर आएगा आप इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या कर सकोगे फाइंड कर सकोगे मगर इससे पहले तो गेलानों मीटर अट्ठाईस था बैलेंस कंडीशन यहाँ पर क्या थी गेलवानो मीटर आती बैलेंस कंडीशन नहीं थी तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रजिस्टर को हम किस तरह सोल्व कर सके ये दो रजिस्टर क्या है पैरल में है सीरीज में किस तरह आपको समझ नहीं आ रही थी तो बैलेंस कंडीशन का फायदा ये है कि दरमियान में से रजिस्टर को रिमूव करो ये दोनों सीरीज में हो गए ये दोनों सीरीज में हो गए इन दोनों का आंसर निकालो इन दोनों का आंसर निकालो फिर क्या करो ये दो ये दो क्या होंगे ये इन दोनों का जो आंसर आ गया इन दोनों का जो आंसर आ गया ये भी आपस में क्या होगा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपस में पैरल है सिंपल आंसर आपके साथ आएगा सही है

किधर तो गया मैं इसको अभी इस साइड को क्या कर रहा हूं रिमूव कर रहा हूं सही अगर आपने इसको लिखना है तो लिख लें इसको क्या कर रहा हूं रिमूव कर रहा हूँ सही है अब अगर आप कुछ बुक्स ना मेरे पास पेड्रल का बुक भी पड़ा हुआ है बलुस्तान का बुक भी पड़ा हुआ है तो मैं डेरिवेशन पेड्रल की बुक में विथ टूम ब्रिज का कोई भी डेरिवेशन गिवन नहीं है इसको प्रूव इसको लिखा है कि बैलेंस कंडीशन के, के तहत इन दो रजिस्टर्स का रेशियो क्या होगा इक्वल आएगा इन दो रजिस्टर्स मतलब इन दो आर वन डिवाइडेड बाई आर टू को आप डिवाइड करोगे इसका जो आंसर आएगा फिर आप आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर को डिवाइड करो इन दोनों दि का Ratio क्या सेम आएगा इन दोनों का रेशियो क्या सेम है कुछ डेरिवेशन भी की कि के थे जब पर नहीं करता है तो किस तरह आर वन डिवाइडेड बाई आर टू के इक्वल है और आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर के इक्वल है मैं से भी करवाऊंगा मगर पहले इसका डेरिवेशन क्या करूंगा आपको लिखवाऊंगा डेरिवेशन से प्रूफ करवाऊंगा सही है अब यहाँ पर ये किस तरह लेट सपोज आपने की सही है बैटरी जब आपने अटैच की तो करंटर कर, क्या करेगा फ्लो करेगा जब यहाँ पर करंट किया गया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेट सपोज यहाँ पर पोटेंशियल वी है और ये क्या है लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है सही है और मैंने बता दिया कि पॉइंट डी और बी पर पोटेंशियल सेम है पॉइंट बी और डी पर पोटेंशियल सेम लेट सपोज पॉइंट बी पर मैं बी पॉइंट मिटा रहा हूँ लेट सपोज जो भी पोटेंशियल पॉइंट जो यहाँ पर बी पॉइंट है ना उस पर पोटेंशियल ई है तो उसी तरह पोटेंशियल डी पर भी क्या होगा पोटेंशियल डी पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा ई e. मतलब यहाँ पर अगर पोटेंशियल ई e था तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा ई e होगा तो मतलब इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है सही है इसको मैंने ई e से रिप्रेजेंट किया सही है आपने कंफ्यूज नहीं होना तो यहाँ पर जब करंट क्या आएगा करंट यहाँ पर डिवाइड होगा तो आई वन पर इस रजिस्टर से क्या करेगा पास करेगा यहाँ तक पहुंचेगा मैं पहले इस रजिस्टर के लिए क्या कर रहा हूँ पोटेंशियल पॉइंट कराऊँ सही है तो जब पोटेंशियल यहाँ पर करंट यहाँ पर आएगा पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा वी होगा सही है पोटेंशियल क्या होगा वी होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है ई अब ये पोटेंशियल ज्यादा है या ये या ये तो बिल्कुल ज्यादा है यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है यहां पर क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल तो इसलिए मैं क्या करूंगा वी माइनस ई वी माइनस ई इज इक्वल टू

उसी तरह पोटेंशियल क्योंकि यहां से तो करंट गुजरेगा नहीं न यहां से गुजरेगा क्योंकि बैलेंस कंडीशन है हम बैलेंस कंडीशन के तहत वेट स्टोन ब्रिज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बैलेंस कंडीशन यहाँ से तो करंट गुजरेगा नहीं तो करंट डायरेक्ट क्या आएगा जो करंट इस रजिस्टर से पास हो गया और टोटल तो तो करंट क्या आएगा यहां पर आएगा तो इसलिए यहां से भी आई करंट गुजर रहा है इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है जीरो तो ये पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पर तो पोटेंशियल सेम है जो भी होगा यहाँ पर तो कुछ पोटेंशियल है मतलब सेम है तो इसलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट यहां पर तो पोटेंशियल जीरो है तो उसी तरह सेकंड इक्वेशन हमारे साथ क्या बन जाएगा इक्वल e और इस मतलब आई वन आर टू सही है, समझ आ गया ये इक्वेशन क्या गया टू इक्वेशन टू आ गया अब उसी तरह जब यहां से करंट डिवाइड हो गया आई वन इस तरह गुजर गया आई टू यहां पर गुजर गया तो इस रजिस्टर गया इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, to, इस क्या आपने करना है कि कितना वोल्टेज इस रेजिस्टर ने कंज्यूम किया मतलब कितना वोल्टेज किया तो सिंपल वो वोल्टेज किसके कॉल होता है आई आर यहां पर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है आर टू और करंट क्या गुजर रहा है आई टू सिंपल क्या होगी आई टू और आर टू इक्वेशन थ्री बन गया ये इक्वेशन थ्री है सही है उसी तरह अगर आपने इस रेजिस्टर क्या क्रोस किया है पोटेंशियल पॉइंट इस पॉइंट पर पोटेंशियल ई e है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और इस पर क्या है जीरो है तो सिंपल इक्वेशन फोर क्या बन जाएगी ई e माइनस जीरो इज इक्वल टू अगर इस रेजिस्टर के क्रोस आपने पोटेंशियल फाइंड करना है तो करंट को रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करो करंट यहां पर कौन सा गुजर रहा है आई टू गुजर रहा है और रेजिस्टर कौन सा है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है आर फोर तो ये इक्वेशन फोर बन गया हमारे साथ अब यहां तक आपने कर लिया ना तो आपने इसको प्रूफ कर लिया आप सिंपल आपने प्रूफ कर लिया कि आपका विथ स्टोन क्या, क्या हो गया बैलेंस कंडीशन के तहत अब किस तरह इक्वेशन वन को किस पे डिवाइड करो इक्वेशन थ्री पे डिवाइड में लिख रहा हूं डिवाइड इक्वेशन वन बाई थ्री इक्वेशन वन को थ्री से क्या करो डिवाइड करो सही है इक्वेशन वन को थ्री से डिवाइड करो जब आप मैं इसको अभी कॉपी रहा हूं जब आप इक्वेशन वन को थ्री से डिवाइड करोगे तो सिंपल ये इक्वेशन वन है और ये थ्री है तो v माइनस ई वी माइनस ई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल तो सिंपल क्या आ जाएगा इक्वेशन आई वन आई वन आर वन डिवाइडेड बाई थ्री में आई टू आई टू और नीचे क्या है आर टू सही है समझ आ गई अब मैंने क्या करना है उसी तरह इक्वेशन थ्री को क्या करना है उसी तरह इक्वेशन टू को इक्वेशन फोर से डिवाइड करना है इक्वेशन टू को इक्वेशन फोर से डिवाइड करना है तो यहां पर आप लिख लो इज इक्वल टू इक्वेशन टू दूसरा कंडीशन हमारे साथ क्या है divide, आपने खुद लिखना है, divide equation, कौन सा है? Two by four. दोनों को आपने कंपेयर करना है सही कंपेयर तो इज इक्वल टू एक साइड तो हमारे साथ है कि जो हमने दो इक्वेशन को डिवाइड कर लिया वन और थ्री को हमने डिवाइड कर लिया ये रिजल्ट हमारे साथ आया ये लेफ्ट एंड साइड दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए अब उसी तरह टू ई माइनस जीरो ई माइनस जीरो साइड दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे जबकि राइट हैंड साइड में क्या है आई वन आर टू उसी तरह आई वन क्या आ जाएगा यहां पर आर टू इक्वेशन टू हमारे साथ क्या है आई वन e ई माइनस जीरो इज इक्वल टू आई वन टू इक्वेशन टू ये याद रखना यहां पर रजिस्टर थ्री है मैंने क्या लिखा है टू लिखा है यहां पर क्या है थ्री रजिस्टर की रजिस्टेंस क्या है थ्री तो इसलिए E माइनस जीरो इज इक्वल टू आई वन आर थ्री तो इसलिए यहां पर क्या है? R3 आएगा आर थ्री आएगा सी मैंने गलती से क्या लिखा है आर टू तो आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा तो नीचे क्या है आई टू डिडेड बाई इक्वेशन फोर क्या है आई टू और आर फोर ये साइड तो क्या हो गया ये साइड और ये साइड क्या हो गया कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसको सिंपल डिवाइड करो राइट हैंड साइड में क्या बच गया आई वन आर थ्री आई टू आर फोर तो आई वन आर थ्री डिवाइडेड बाई क्या जाएगा आई टू और आई फोर आपके साथ इक्वेशन क्या हो गया प्रूव हो गया अगर आपको नजर भी आ रहा है कैंसिल क्या हो रहा है इस साइड में भी आई वन डिवाइडेड बाई टू इस साइड में भी आई वन डिवाइडेड बाई टू तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड आई वन डिवाइडेड बाई टू इस साइड में भी क्या आई वन डिवाइडेड बाई टू सिंपल आई वन डिवाइडेड बाई टू दोनों से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे रिजल्ट हमारे साथ क्या आ गया प्रूव कर लिया हमने कि बैलेंस कंडीशन के तहत आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल आ जाएगा आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर के इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा आर फोर के इक्वल आ जाएगा ये बैलेंस विद स्टोन ब्रिज का क्या है बेसिक प्रिंसिपल है ये क्या है बेसिक प्रिंसिपल है याद रखना ये आप इसको कह सकते हो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ के वी एल वोल्टेज करंट वोल्टेज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ ये क्या है एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किर्चोफ्ला क्या है किचोफ्ला का क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ला किोफ्ला मैंने किर्चो दो लाभ बताए थे हमारे बुक में एक क्रिच वोल्टेज लाए और एक किच करंट लाए उसी के जरिए भी हम कम्प्लेक्स सर्किटोप ला क्या था वो वहां पर भी हम दो ला बताए थे कंप्लेक्स सर्किट में हम वोल्टेज और करंट क्या कर रहे थे फाइंड कर रहे थे तो इसलिए हमने ये प्रूव कर लिया कि वाकई बैलेंस कंडीशन के तहत जब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं गुजरेगा तो ये आर वन क्या आर वन का आर टू की कोल आएगा जब आप आर वन डिवाइडेड बाई आर टू का रेशियो किस इक्वल आएगा आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अब तो आर बार नहीं कर सकते हो आप में इसको कर सकते हो कि याद रखना

कि इसके लिए आप मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये रजिस्टर भी इक्वल कर रहा हूँ और एक ये रजिस्टर क्या है वेरेबल वेरिएबल रजिस्टर के सिंबल ये है उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं ये फिक्स है ये फिक्स है ये क्या है अनुने इसका रजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है और ये क्या है आपके साथ वेरेबल इस ही इस वेरेबल रजिस्टर का भी आपको रजिस्टर रजिस्टेंस मालूम होना चाहिए आप इसको चेंज ज़्यादा कम कर कर सके आप इसको ज्यादा करो कम करो ताकि यहाँ से करंट फ्लांस क्या हो पास ना कर सके यहाँ से करंट जब पांच न कर सके तो जिस पॉइंट पर करंट पास ना कर सके वो रेजिस्टेंस क्या होगी इस इस अननोन की रेजिस्टेंस होगी अब मैं आपको बताऊंगा अभी और ये लेट सपोज चार रेजिस्टर हैं इनमें से दो फिक्स होंगे एक आपके साथ अननोन है जिसको आपने फाइंड करना है उसकी रेजिस्टेंस एक आपके साथ वेरिएबल है और इसका भी आपको पता होना चाहिए फिक्स रजिस्टर्स का भी रेजिस्टेंस पता होना चाहिए वेरिएबल रेजिस्टर का भी रेजिस्टेंस पता होना चाहिए सिर्फ इसका पता नहीं है और आप ये फाइंड करोगे मैं यहाँ पर आपको एक और वेट स्टूम ब्रिज का बना रहा हूँ सही है उसी तरह यहां पर एक क्या है रजिस्टर यहां पर भी क्या है एक यहां पर भी क्या है रजिस्टर यह क्या है गिलवानो मीटर या आप सिंपल दरमियान में रजिस्टर भी लाजमी नहीं है प्रैक्टिकल करते हैं तो जब गेलवानो से कोई डिफ्लेक्शन गलवानो का जो नेडल है वो डिफ्लेक्शन शो ना करें मतलब वो मूव ना करे तो इसलिए हमें यह पता चलता है कि ऐसा करंट नहीं गुजर रहे तो यहाँ पर आप रजिस्टर भी अज्यूम कर सकते हो सही आपने इसको क्या किया बेडशीट के साथ क्या क्या कनेक्ट कर दिया सही है अब मैं आपको बता रहा हूं ना क्या आप इसकी रेजिस्टर ये दो आपके साथ फिक्स हो गए लेट सपोज इसका रेजिस्टेंस क्या है आर वन का आर वन का रेजिस्टेंस क्या है ये आर वन है आर वन का रेजिस्टर टेन ओम है क्या है टेन ओम में इसका जो आर थ्री है क्या है आर थ्री है इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस क्या है लेट सपोज ट्वेंटी ओह सही है मैं आपको आप यह कंडीशन भी बताऊंगा यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा इसी तरह यह हमारे साथ क्या है आर टू लेट सपोज आर टू का रेजिस्टेंस क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आर टू आपको पता होना चाहिए आर टू का रेजिस्टेंस क्या है सही है यहां पर टू ओम और इसका रेजिस्टेंस क्या है फोर ओम सही फोर ओम अब आप यहाँ पर देखो सही ये यहाँ पर आप इसको क्या करो वेरेबल रजिस्टर हमारे साथ क्या था ये था सही है वेरेबल रजिस्टर ये था और ये क्या था फोर रजिस्टर वाला हमारे साथ क्या था अनु था इसका आपने फाइंड करना है इसका आपने क्या करना है फाइंड करना है अब मैं आपको बताऊँगा अभी रेशो भी इक्वल आएगा वेरेबल रजिस्टर का, का काम भी पता चल जाएगा और आपको समझ भी जाएगा आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो फिर ले भी सही है यहाँ पर ये मैंने टेन कंसिडर कर लिया ये ट्वेंटी कंसिडर कर लिया ये टू कंसिडर कर लिया यहाँ पर अब ये रजिस्टर क्या है वेरेबल इसका तो मुझे पता है टेन इसका ट्वेंटी इसका टूल्थ अब यहाँ पर जो दरमियान रजिस्टर है दरमियान रजिस्टर का भी कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा अब मैंने क्या करना है इन तमाम रजिस्टर का आंसर फाइंड करना है मैंने रेशो फाइंड करना है कि ये दो सीरीज़ में या ये दो सीरीज़ में ये दो आपस में, में फैले किस तरह मैंने इसका आंसर फाइंड करना है मैंने हल करना है रजिस्टर ऐसे तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर दरमियान में भी लगा हुआ है ना तो यही ना करेक्टली ये पैरेलल में नजर आ रहा है ना करेक्टली ये सीरीज में नजर आ रहा है तो अब मैं क्या करूंगा ये वेरिएबल रेजिस्टर है या ये रेजिस्टर मुझे पता नहीं है इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है तो यहाँ पर मैं लेट सपोज गैरानो लगा रहा हूँ मैं इस रेजिस्टर को कम करके मैंने इस रेजिस्टर को क्या कर दिया लेट सपोज बढ़ा दिया कम कर दिया जो अगर मैं इस रेजिस्टर को जो भी जितना भी करता हूँ मैं रजिस्टर को बढ़ा कर कम करता हूँ यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर रजिस्टर्स आ गया यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर टू रजिस्टर्स है सही है इसको मैं बढ़ा कर कम कर रहा हूँ टू से ज़्यादा कर फोर कर रहा हूँ या पर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया लेट सपोज टू क्या या पर टू कर दिया या पर लेट सपोज रेजिस्टेंस आ गया वन ओम फिर भी गेलवानों से क्या है गेलवानो का स्वीक है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या राइट साइड पे जा रहा होगा या लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा फिर मैंने इस रेजिस्टर को फिर बढ़ा दिया कम कर दिया लेट सपोज अब मैंने क्या हुँ? पहले वन था अब मैंने टू ओहम कर दिया इसका रेजिस्टेंस अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ गया अन का रेजिस्टेंस था वो क्या आ गया फोर ओहम हो गया फोर ओम मैं इसके वेरिएबल रेजिस्टर को की रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ सही है ताकि ये एडजस्ट हो जाए और इस तरह एडजस्ट हो जाए ताकि गेलवानो मीटर से दरम्यान वाली रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो ना कर सके अब जब फोर ओम तक इसका रेजिस्टेंस आ गया यहां पर नहीं फोर ओम का रेजिस्टेंस तो मुझे यहां पर पता नहीं चल रहा है मैं यहां पर बढ़ा रहा हूँ मैंने टू कर दिया फिर फोर कर दिया फिर फाइव कर दिया जब फोर तक मैंने इस रजिस्टर को बढ़ा दिया तो इस रजिस्टर का भी क्या होगा यहां पर मुझे पता चल गया कि इसका रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फोर ओम क्योंकि मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ और जब यहाँ पर इस रजिस्टर का रजिस्टेंस फोर ओहम आ गया तो तब गलवानो में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था गेलवानो का जो निचल था वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था ना तो लेफ्ट पे जा रहा था ना राइट बिल्कुल स्ट्रेट कर रहा था जिस तरह उससे करंट गुजर नहीं आ रहा। गुजर नहीं आ मतलब कोई भी करंट नहीं गुजर रहा होगा अब मैं क्या करूँगा यही बैलेंस कंडीशन का जो बैलेंस कंडीशन है जो विच स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है अब मैं अप्लाई करता हूँ इन रजिस्टर पर टेन डिवाइडेड बाई मतलब इन दोनों को डिवाइड करो इन दोनों को डिवाइड करो आपके साथ आंसर क्या आता है 10 डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह 20 डिवाइडेड बाय 4 20 डिवाइडेड बाय 4 अब 2 वनस आर 2 2 फाइवस आर 10 5 रेशो 1 इज इक्वल टू उसी तरह 4 वनस आर 4 4 फाइवस आर 20 5 रेशो 1 आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि रेशो क्या आ रहा है 5 रेशो 1 फाइव रेशो वन दोनों साइड का रेशो क्या आ रहा है सेम आ रहा है यानी तो दोनों साइड का रेशो सेम आ रहा है तो तब आपको समझ भी आ गया कि यहाँ से कोई भी करंट नहीं गुजर है तो इस गिलवानो मीटर को आप क्या करो यहाँ से रिमूव करो सिंपल ये दो रजिस्टर अब सीरीज में हो गए ये दो भी सीरीज में हो गए इसका आंसर निकालो फिर इसका आंसर निकालो फिर ये दो क्या है ये ऊपर और नीचे आपस में पैरा है आंसर निकाल कर आपके साथ क्या आएगा आंसर आएगा तो ये वेट स्टोन ब्रिज भी क्या है कोई नया कंसेप्ट नहीं है सिंपल रजिस्टर को क्या करते हैं इस तरह ब्रिज की फॉर्म में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं और बैलेंस कंडीशन के तहत अब ये आसानी हो जाती है कि अब मुझे हमें ये जल्दी पता चल जाता है कि ये दो सीरीज़ में ये दो सीरीज़ में है सही है फिर ये आपस में क्या होंगे पैरेलल में होंगे हम आंसर क्या करते हैं निकाल सकते हैं तो इस तरह बैलेंस वोट ब्रिज के ज़रिए हम क्या करते हैं इस तरह रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सही है तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह रेशो इक्वल आता है आप लेट सपोज आप में आपसे एग्ज़ाम में पेपर आ गया सही आप तो एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो कि बैटरी को लगाकर फिर को वोल्टेज को क्या करते हो कि याद से करंट गुजर रहा है यानी तो आपने पहले देखना है

इस रजिस्टेंट का रेजिस्टेंस क्या है फोर ओम और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है मैं इसी के मुताबिक इसका क्या होगा फोर्टी ओम सही है और लेट सपोज इसका रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है इसी के मुताबिक क्या होगा इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारे साथ एट ओम सही है आप इन दोनों का रिश्व फाइंड करो इन दोनों का और दरमियान में मैं एक गिलवानों मीटर मिटा रहा हूँ मैं आपको एग्जाम में पेपर में ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया सही है और यहाँ पर भी अटैच है उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेन ओह अब आपने क्या करना है आपको आपसे फाइंड करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है इन तमाम रेजिस्टेंस को आपने एक एक आंसर लाना है जो लास्ट आंसर होगा उसको हम इक्विवेलेंट आंसर कहते हैं अब मैंने ये इसका भी रेजिस्टेंस दे दिया इसका भी दे दिया इसका भी दे दिया इसका भी दे दिया और इसका भी दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये दो अब सीरीज़ में या पैरेल में क्योंकि अब यहाँ पर जब करंट पहुँचेंगे यहाँ पर भी गुजरेगा यहाँ पर भी गुजरा है यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ये दो मुझे समझ आ रहा है अगर करंट यहाँ पर पहुंच गया अगर मैंने ये दो देखने अब करंट जब यहाँ पर पहुंच गया यहाँ पर भी गुजरा यहाँ पर भी अब ये सीरीज़ में हो गया या पैरेल में कुछ समझ नहीं आ रहा अगर मैं इन दो को देखूंगा कुछ समझ नहीं आएगा अब तो मैंने क्या करना है मैंने यहां पर रिजेन में लेना है जब क्या होगा कंबिनेशन इस तरह बना होगा ब्रिज टाइप का कंबिनेशन होगा या फिर तरह भी समझ सकते हो जिनमें क्या हो चार रजिस्टर हो या पांच हो तो इस तरह में समझ सकते हैं कि यह क्या है वेट ब्रिज ही यहाँ पर होगा जब चार या पांच रजिस्टर हो और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरह कंडीशन गिवन है तो फिर आपने क्या करना है वेस्ट ब्रिज का कंडीशन अप्लाई करना है किस तरह आप इन दो का रेशियो देखो इन दो का रेशियो देखो अगर रेशियो सेम आ रहा थी तो वाला रजिस्टर को खत्म कर दो उसको रिमूव कर दो चाहे उसका जो भी रजिस्टर उसको आपकी कैलकुलेशन में उसकी फिर कोई भी जरूरत नहीं होगी तो आप ट्वेंटी 20 डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू आप फोर्टी डिवाइडेड बाई एट करो फोर्टी डिवाइडेड बाई एट फोर वन झार फोर फोर फाइव ट्वेंटी एट वन झार एट एट फाइव रेशियो क्या रहा है फाइव डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई वन रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है ये मैं आपको फिर से मैंने एग्जाम्पल दिया तो अब ये दरमियान वाला रजिस्टर का कोई काम ही नहीं ना आपके कैलकुलेशन में इसका काम है इसको ख़त्म कर दो पहले ही से ख़त्म कर दो अब ये दो रजिस्टर क्या हो गए सीरीज़ में हो गए ये दो सीरीज़ में हो गए जबकि ये आपस में क्या होंगे आपस में ये क्या होंगे में होंगे पहले आपको इसको हल करो फिर इसको हल करो जो आंसर आ गया फिर दोनों को क्या करो पेरे में कंबाइन करो जो आंसर आ गया वो आपके साथ क्या आएगा इसका आंसर होगा सीरीज में तो पता है कि सिंपल इन दो का रजिस्टर एड करो इन दो का रजिस्टर एट करो फिर में हम क्या करते हैं प्रोकल को एड करते हैं तो यहां तक हमारे साथ क्या हो गया रेजिस्टर का इस तरह कंसेप्ट क्या हो गया क्लियर हो गया कि आपने किस तरह स्टोम ब्रिज पर अप्लाई करना है अब इसके बाद मैं आपको एक और कंडीशन दूंगा कि वाकई वो वेट स्टोम ब्रिज है यानी इसी तरह यही वेट स्टोम ब्रिज को लेट सपोज मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ को मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूं सही है ब्रिज इसी तरह मैं में मैंने क्या किया गलवानो मीटर या कोई भी रजिस्टर अटैच है सही है और अब मैं क्या कर रहा हूं बैटरी को क्या कर रहा हूं यहां पर अटैच नहीं कर रहा हूं बैटरी को मैं यहां पर अटैच कर रहा हूं क्या क्या मैंने बैटरी को क्या कर दिया यहां पर अटैच नहीं किया सही तो मैंने बैटरी को इस तरह अटैच किया सही ये क्या करो आप रिमूव कर दो सही बैटरी को मैंने यहां पर अटैच किया और यहां पर बैटरी मैंने लगा दी सही माइनस प्लस अब मैं आपसे पूछू ये वेट स्टोन ब्रिज है या नहीं सिंपल मैंने बैटरी का कनेक्शन चेंज किया याद रखना ये वेट स्टोन ब्रिज नहीं होगा वेट स्टोन ब्रिज नहीं, नहीं याद रखना वर्टिकल में बैटरी कभी भी नहीं लगाते हैं वर्टिकल में हम बैटरी कभी भी नहीं लगाते हैं वो वेट स्टोन ब्रिज फिर नहीं होगा फिर वो विथ स्टोन ब्रिज क्योंकि फिर जब करंट यहां से गुजरेगा ना तो आपको बताएं

समझ ना जो करंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगा वही करंट इस रेजिस्टर में भी गुजरेगा तो ये दो सीरीज ये दो सीरीज आपस में क्या होंगे पैरल आंसर आएगा ये वेट स्टोन ब्रिज नहीं होगा याद रखना वेट स्टोन ब्रिज में हम बेटी क्या करते हैं उन दो कोनों से लगाते हैं जहाँ पर दरमियान वाला रजिस्टर कनेक्ट नहीं हो दरमियान वाला रजिस्टर से हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते अगर दरमियान वाले से आपने रजिस्टर को कनेक्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया दरमियान वाले रजिस्टर से वो वेट ब्रिज नहीं होगा वो वेट ब्रिज नहीं होगा सही वो वेट नहीं होगा। तो यहां तक आपने देख लिया के लिए लिखूंगा ना ताकि आपको वो भी मजीद समझ आ जाए तो अगर आपने इसका लेना है, ले ले तो इसके बाद एक और कंडीशन बनाऊंगा तो भी आपने बता देना है कि वेथ स्टोन ब्रिज है या नहीं तो मैं इस साइड पर हो जाता हूं अब उसी तरह हमने यहां पर मैंने कुछ और एग्जांपल लिख लिए विथ स्टोन ब्रिज से रिलेटेड ताकि आपको मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए वैसे विट स्टोन ब्रिज तो हमने पढ़ लिया अब यहाँ पर मैंने कुछ सर्कट ड्रा किए हुए हैं और भी आपके बलुचस्तान बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पंजाब बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रा कर लिए है आपके नोम प्रॉब्लम भी इसी तरह थे वहाँ पर गिवन होता है हालांकि वो विट स्टोन ब्रिज ही होता है मगर हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये विट स्टोन ब्रिज है या नहीं तो मैंने आपको सिंपल बैलेंस हमारे जो बुक में जो भी एग्जांपल के होते हैं वो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज ही के होते हैं बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज ही हम पढ़ते हैं अनबैलेंस हम नहीं पढ़ते हमारे बुक में उसका कंसेप्ट है ही नहीं सही है तो या पर ये मैंने बनाए हैं आपको नजर आ रहे होंगे ये बैलेंस ये विथ स्टोन ब्रिज ब्रिज है या नहीं ये विथ स्टोन ब्रिज है या नहीं स्पेशली हम बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज ही पढ़ रहे हैं लेट सपोज इस एग्जाम्पल वन से ही स्टार्ट करते हैं फिर टू फिर थ्री की तरफ हम क्या करेंगे आज आ जाएंगे उसी तरह मैंने यहाँ पर इसको एक वोल्टेज अप्लाई किए बैटरी से कनेक्ट किया यहाँ पर रजिस्टर वन रजिस्टर टू रजिस्टर थ्री रजिस्टर फोर ये वेरेबल रजिस्टर इसके जरिए हम क्या करते हैं फ़िक्स करते हैं मतलब क्या करते हैं चेंज करते रहते हैं किसी भी एक अन रजिस्टर की रजिस्टर को फाइंड करने का लेट सपोज ये रजिस्टर अगर अगर टन की रजिस्टर ये जो टन ओम की रजिस्टेंस थी या हमें पता नहीं थी तो हम इसी के जरिए हम क्या करते हैं इसको चेंज कर सकते हैं इस वेरेबल रजिस्टर के ज़रिए ताकि यहाँ से करंट फ्लो ना कर सके तो यहाँ पर फिर इन दोनों की क्या आएगी सेम आएगी वो आपको बता दिए कि जो भी यहाँ पर टू मतलब अगर इन दोनों का रेशो क्या था सेवन वन, सेवन सेवन वन रेशो फाइव आ रही तो यहाँ पर भी वन रेशो फाइव ही आना चाहिए आपको इस रजिस्टर को इस तरफ फिक्स करना चाहिए था क्या पर या पर जो भी डिजिट फोट करो ये इस रजिस्टर और इस रजिस्टर का रेशो वन रेशो फाइव आना चाहिए अब इसी के जरिए हम फिक्स करते हैं ये तो हो गया ये तो सिंपल बात है अब यहाँ पर पहले कंडीशन में आपको बताऊँ कि वेट स्टोन ब्रिज हमेशा क्या करता है ये दरमियान वाला जो रजिस्टर होता है जिसको हम बैलेंस जिसको हम निगलेक्ट करते हैं उसको रिमूव करते हैं कि वहाँ से कोई भी बैलेंस कंडीशन के अंदर वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है पहला कंडीशन ये है कि वेट्स टोम ब्रिज यहाँ से अटैच नहीं है बैटरी क्या है बैटरी दरमियान वाले रजिस्टर से अटैच नहीं है बैटरी साइड वाइड से अटैच है तो ये पहला कंडीशन तो से, सेटिस्फाई हो गया कि ये ब्रिज है मगर दूसरा कंडीशन क्या है अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो सेम गए तो ये बैलेंस ब्रिज इस दरमियान वाला रजिस्टर को हम रिमूव करेंगे ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में और ये आपस में पैरेलल है हमारे साथ आंसर इसलिए आएगा सही है तो लेट सपोज ये दरमियान वाले रजिस्टर की भी कुछ ना कुछ रजिस्टर होगी जिसको मैं क्या टू लिखता हूँ सही अब मैं किस तरफ करूँ ये 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 किस सीरीज़ में पैरल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सिर्थ? क्योंकि जब से करंट आएगा करंट यहाँ पर आएगा इस रजिस्टर ये ये क्योंकि करंट ऊपर भी जा रहा है इस रजिस्टर में से भी गुजर रहा है यहाँ पर भी गुजर रहा है कुछ भी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट तो यहाँ पर अब टू रेशो टेन यहाँ पर इस रजिस्टर में इन दोनों को डिवाइड करो क्या मैं इसी का आंसर फर्स्ट का क्या कर रहा हूं रेशियो के यह बैलेंस है या नहीं यह तो हमारे साथ दूसरा बिट्स रूम अब मैं वाला करो। सिंपल आप जल्दी से फिर इसका आंसर निकाल सकते हो सही है तो टेन डिवाइडेड बाई टू टेन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई ये क्या है सेवन थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई सेवन टू वन टू थर्टी फाइव आंसर क्या इज इक्वल टू फाइव रेशो वन इन दोनों रजिस्टर का रेशियो इक्वल है इन दो रजिस्टर तो अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है इस रजिस्टर में से इस जिस तरह मैंने गिलवाणो मीटर किया था यहां पर कोई भी रजिस्टर आप कंसिडर कर सकते हो तो इस रजिस्टर में से कोई भी करंट नहीं गुजर रहा है इस रजिस्टर में से जीरो करंट गुजर रहा है जब इस रजिस्टर में से करंट ही नहीं गुजर रहा है तो इसका काम हमारा है ही नहीं इसको सिंपल हमारे साथ क्या ये हमें कंफ्यूज कर रहा है तो सिंपल इन दो ये दो रजिस्टर सीरीज में अब आप सिंपल फाइंड कर सकते हो जल्दी ये तो रजिस्टर भी क्या है सीरीज में सही है आप इन दोनों को आंसर निकालो फिर इन दोनों का निकालो आपस में क्या है पैरेलल में आपके साथ आंसर आएगा सिंपल रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं वो तो आपको पता है ये भी क्या है विटस्टोन ब्रिज सही है इस तरह भी गिवन हो सकता है सिंपल अब दूसरा ये है दूसरा ये है उसी तरह अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस रजिस्टर दरमियान में यहाँ पर भी रजिस्टर अटैच है एच यहाँ पर भी अटैच है अब तीन हो गए वन टू थ्री वन टू थ्री रजिस्टर बहुत ज़्यादा हो गए चाहे दस भी हो जाए आपने कंफ्यूज नहीं आपने सबसे पहला पहला कंडीशन मैंने आपको बताया अभी कि आया बैटरी क्या है ये जो दरमियान में रजिस्टर कनेक्ट है बैटरी तो इसके साथ कनेक्ट नहीं है अगर बैटरी इसके साथ कनेक्ट थी फिर आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो अब बैटरी दरमियान वाले रजिस्टर में से कनेक्ट नहीं है दरमियान वाले रजिस्टर में से ये भी दरमियान वाला है ये भी यहाँ से कनेक्ट नहीं है

इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो सिंपल देखो अब क्या कर रहा करो मैं दूसरे का देख रहा हूँ ये दो, जो दूसरा है क्या वाकई ये बैलेंस टूम ब्रिज है यानी तो फिर मैं दरमियान वाली रिमूव करूंगा ये तीन बी सीरीज ये तीन बी सीरीज आपस में पैरल आंसर इजीली है का सिंपल तो अब क्या करो टू टेन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू इन दोनों का रेशो ये दरमियान वाला रजिस्टर ये भी टेन यहाँ पर जो है ये दरमियान वाला रजिस्टर ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी और फोर इज इक्वल टू फिफ्टी और टेन फिफ्टी और टेन तो टू वन जो टू टू फाइव ज़ार टेन फोर वन जो फोर फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी टेन वन जार टेन टेन फाइव ज़ार फिफ्टी फाइव रेशो फाइव रेशो फाइव नीचे वन आप वन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं फ़ाइव रेशो फाइव रेशो फाइव सबका का रेशो सेम आ रहा है या जब रेशियो सेम आ रहा होगा तो फिर आप आंसर इजिली निकाल सकते हो ये जो दरमियान वाला रजिस्टर है यहाँ पर कनेक्ट है ये सिंपल आपको कंफ्यूज कर रहा है इसको आप क्या करो रिमूव करो यहाँ से कोई भी करंट नहीं गुजरेगा क्योंकि यहाँ पर बैलेंस कंडीशन है पोटेंशियल इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर सेम है यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा करंट सीधा इन तीनों रजिस्टर में से क्या करेगा फ्लो करेगा ये तीनों बी सीरीज में ये तीनों बी सीरीज में क्योंकि क्या एंड टू एंड कनेक्टेड है इनको आप फाइंड करो इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा आपस में क्या होंगे पैरल आंसर क्या होगा

जो दरमियान वाला रजिस्टर वर्टिकल रजिस्टर से कनेक्ट नहीं है यहां पर कनेक्ट है। एक कंडीशन तो सेटिसफाई दूसरा कंडीशन इनका रेशियो देखो क्या देखो इन दो का रेशियो देखो इनका देखो इनका देखो सिंपल सी आपके साथ आंसर आएगा टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू टू और फोर टू डिवाइडेड बाई फोर उसी तरह फोर और एट फोर और एट टेन 10, 10 टन टू जी टू 2, 2 टू 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 4 फोर फोर वन जो फोर फोर टू जो एट क्या टू वन ratio टू वन ratio टू सब का आंसर सेम आ रहा है यानी तमाम के रेशियो सेम आ रहा है यानी ये बैलेंस पीट स्टोन चाहिए यानी तो दरमियान वाला ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये ये तो हमें सिंपल कंफ्यूज़ कराए इसको रिमूव करो जो हमें कंफ्यूज कर रहा है उसको अभी खत्म इसका काम है ही नहीं हमारे कैलकुलेशन तो सिंपल हमें भी एक आंसर आएगा तीनों आपस में क्या होंगे आंसर क्या करो फाइन करो यहाँ तक हमारा जो वेट स्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट हो गया वो क्या हो गया एंड हो गया सही वेट स्टोम ब्रिज का जो कंसेप्ट ऑलमोस्ट वो क्या हो गया एंड हो गया तो फिर भी अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आप क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वेट्स ब्रिज से रिलेटेड अगर आपको लेक्चर पसंद आ ले गया तो अपने लेक्चर को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है टिल देन अल्लाह हाफिज़